गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लिटिल स्टूडेंट्स, क्लास UKG, छोटे बच्चे हैं हमारे RK स्कूल के। क्लास UKG बच्चों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ मैं गोविंद सर। कल हमने आपको बताया था बेटा कि राइट 3 वर्ड मीनिंग टू बिगेन फ्रॉम ए बी से। हमने बताया था कि आपको तीन वर्ड मीनिंग लिखना है जो ए से शुरुआत होती हो और बी से शुरुआत होती हो। ये तो हमने आपको लिखा था ब्लैक बोर्ड पर, कल व्हाइट बोर्ड पर, और होमवर्क में हमने आपको दिया था DCDE, तीन होमवर्क ले दिया था। अब ABCDE ये आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ए बी हमने कराया था और बाकी तीन आपने किया, CDE। तो आज बारी होती है F और G, यानी तीन वर्ड मीनिंग आपको लिखना है जो F से शुरुआत होती हो और G से शुरुआत होती हो। तो बच्चों आप देख सकते हो F से पहले शुरू होने वाली इससे F से शुरू होने वाले तीन मीनिंग आप देख सकते हो बच्चों। F A N, आप इसको पढ़ते हो फैन मीन्स होता है बच्चों पंखा। और दूसरी मीनिंग FISH, फिश मीन्स होता है मछली, आप देख सकते हो बोर्ड पर। फिर FROG, ये होता है फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक। ये थ्री मीनिंग हो गई आप F से जो शुरू है। FAN फैन मीन्स पंखा, FISH फिश मीन्स मछली, FROG फ्रॉग मीन्स मेढक। आपको राइट डाउन करना है फेयर में और लर्न भी करना है बच्चों। अब होती है बारी जी से शुरुआत होने वाले थ्री मीनिंग आपको लर्न करना है, राइट करना है। GUN, ये होता है गन, आप पढ़ सकते हो, गन मीन्स बंदूक। GIRL, गर्ल मीन्स होता है बच्चों लड़की। और GOAT, गोट, गोट मीन्स होता है बच्चों बकरी। तो ये वर्ड मीनिंग आपको राइट डाउन करना है कॉपी पर और लर्न भी करना है। एक बार फिर देख लो आप, FAN फैन मीन्स पंखा, FISH फिश मछली, FROG फ्रॉग मीन्स मेढक, F से शुरू होने वाली थ्री मीनिंग, फिर जिस शुरू होने वाली थ्री मीनिंग, GUN गन मीन्स बंदूक, GIRL गर्ल मीन्स लड़की, GOAT गोट मीन्स बकरी। ये मीनिंग आपको राइट डाउन करना है और लर्न भी करना है। ये बच्चों आपके लिए है, आप इसको लिख के चलिए और राइट डाउन करते चलिए, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको भी करिए, उसको लर्न भी करिए। आप अगर बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको सबसे पहले आज से हर के अंग्रेजी, का से ज्ञा के अंग्रेजी, एप्पल से जबरा स्पेलिंग, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद होगा तो आप पढ़ने बहुत ही शार्प रहोगे, तेज रहोगे। तो आपको SW बेटा है राइट 3 वर्ड मीनिंग टू बिगेन फ्रॉम, हमने आपको जी तक पढ़ाया, H and I, H और I से शुरू होने वाली आपको थ्री मीनिंग आपको लिखना है। जैसे H से होम, हट, हैम, हॉर्स, XYZ कुछ भी आप लिख सकते हो जो H से शुरुआत हो। दूसरा होमवर्क है बेटा, राइट A2 आहार एंड A2 ज्ञान। तीसरा राइट इन इंग्लिश, जैसे देखो हमने यहाँ लिख दिया आहम, इसकी अंग्रेजी आपको लिखना है ए, हाफ इंग्रेजी ए, हाफ अंग्रेजी एच, फिर ए, उसके बाद फिर एम, अहम। वैसे ही अजय, अमर, अभय,
अनल, ये आपको इसकी इंग्लिश लिखना है। तो क्लास शुरू करिए बच्चों, अपना होमवर्क नोट कर लीजिएगा, जो भी दिखाएगा आप उसको लर्न करें, घर पर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू बच्चों, ठीक है ना।